हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में कहें तो अलंकार। जैसा कि आप जानते हो, इंग्लिश लिटरेचर में या किसी भी साहित्य में अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग भाषा को और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। हमने दो फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे, मेटाफर एंड सिंपली। उसके बाद अगला फिगर ऑफ स्पीच है ऑनोमेटोपोइया। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड ऑनोमेटोपोइया। आपको क्या बोलना है, ये ऑनोमेटोपोइया। स्पेलिंग पे ध्यान देना, ONOMATOPEA। और हमको बोलना क्या है, ऑनोमेटोपोइया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप देखोगे तो आपको ये प्रोनंसिएशन आपको दिखाई देगा, ओ न मै ट पी आ, ओनोमेटोपोइया। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड ऑफ अ वर्ड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग। इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हुज साउंड सीम्स टू रिजेंबल the sound it denotes, hiss, buzz, rattle, crackle, etc. कहने का मतलब यह है कि साहित्य भाषा में ऐसा कोई भी शब्द जो ध्वनि सूचक हो, यानी कि ध्वनि सूचक शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होगा, उसका नाम होगा ओनोमेटोपोइया। जैसे कि आप ये वर्ड देख पा रहे हो, हिस, तो इस शब्द से हम समझ जाते हैं कि ये सांप की आवाज है। वज, इस शब्द से हम समझ जाते हैं कि ये मधुमक्खियों की आवाज है। रैटल, इस शब्द से हम समझ जाते हैं कि ये खड़खड़ाने की आवाज है। क्रैकल, क्रैकल शब्द आते हैं हम समझ जाते हैं कि ये चट-चट करने की आवाज है। तो ये और भी शब्द हो सकते हैं, काफी सारे शब्द हो सकते हैं। इन शब्दों से हमें पता लग जाता है कि ये किसी ना किसी ध्वनि की ओर इंगित कर रहे हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा को, डेफिनेशन को देख लीजिए आप। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा अलंकार है इन विच, जिसमें द साउंड ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द की आवाज सजेस्ट, यानी कि प्रस्तावित करती है, बताती है, क्या बताती है, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ। कोई भी शब्द जो सीधा सीधा ध्वनि को सूचित कर दे, तो वहां पर हमारा अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ओनोमेटोपोइया। या हम ये भी कह सकते हैं, इट मे बी अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है संयोजन। ये संयोजन भी हो सकता है ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, यानी एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। हुज साउंड, उन शब्दों की आवाज सीम्स टू रिजेंबल, जो प्रतीत होती है किसके समान, द साउंड इट डिनोट्स, उस आवाज के समान जिसको ये शब्द समूह या शब्दों का कॉम्बिनेशन डिनोट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हिस वज रेटल क्रेकल एटसेट्रा। नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन इज ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। तो ग्रंट ग्रंट जो वर्ड्स आए हैं, इनसे हमको सीधा सीधा पता लग गया कि ये सुअर की आवाज है। तो इस शब्द से हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये किस आवाज की ओर इंगित कर रहा है, किस एनिमल की साउंड है ये। हॉग, हॉग सुअर को ही कहते हैं, सुअर या सुकर जो भी बोलते हैं हम। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, यानी ग्रंट ग्रंट करता हुआ सुअर जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग। हिस एंड बज, बोथ वर्ड्स हैव बीन यूज्ड हियर इन द सेम सेंटेंस। द स्नेक्स, सांप, आर हिसिंग, तो सांप की जो आवाज होती है आप जानते हो, हिंदी में जो भी कहते हैं हम, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे उसको हिसिंग। तो स्नेक्स क्या कर रहे हैं, हिसिंग कर रहे हैं। तो इस वर्ड से हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये ध्वनि सूचक है, और ये ध्वनि किसकी है, स्नेक्स की। एंड द बीज, बीज का मतलब मधुमक्खियां, आर बजिंग,
तो जो भिनभिनाने की आवाज होती है उसको बोलेंगे हम इंग्लिश में बजिंग। तो यहां पर दो वर्ड आए हैं हिसिंग एंड बजिंग, और ये दोनों ही शब्द हैं, ये ध्वनि सूचक है। एक बता रहा है स्नेक्स की ध्वनि को और एक बता रहा है बीज यानी कि मधुमक्खियों की ध्वनि को। जैसे आपने कई बार देखा हो कि म्याऊं की आवाज आती है तो आप समझ जाते हो कि किसकी आवाज है, यानी ये बिल्ली हो सकती है। द कैट्स आर म्यूइंग, बिल्लियां म्यूइंग कर रही हैं। तो म्यू जो वर्ड है यहां पर हमें फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया की याद दिलाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई ध्वनि हमें सूचित होनी चाहिए, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच माना जाएगा ओनोमेटोपोइया। प्रोनंसिएशन का ध्यान रखें, ओनोमेटोपोइया। द थर्ड सेंटेंस इज आई हर्ड द वॉटर लैपिंग ऑन द क्रैग। हियर इज अ वर्ड लैपिंग, लैपिंग मीन्स कलकल की आवाज, तो ये भी किसी ना किसी आवाज को इंगित कर रहा है लैपिंग। आई हर्ड, मैंने सुना था वॉटर पानी को लैपिंग कलकल की आवाज करते हुए ऑन द क्रैक, क्रैक का मतलब है कोई घुमाव, तो मैंने किसी घुमाव पर पानी को कलकल की आवाज करते हुए सुना। तो यहां पर ये जो लैपिंग वर्ड है, लैपिंग हमें याद दिला रहा है कलकल की आवाज का। तो यहां पर कौन सी ध्वनि है, लैपिंग, यानी कि हिंदी में बोले तो कलकल की आवाज। अगला सेंटेंस है स्वॉर्ड्स क्लैंक एंड गन्स बूम्ड। स्वॉर्ड्स का मतलब है तलवार, क्लैंक का मतलब है जब दो तलवार आपस में टकराएंगी तो किस तरह की आवाज आएगी। तो ये जो क्लैंक वर्ड है ये भी एक ध्वनि को बता रहा है क्योंकि तलवारों के टकराने से आ रही है। एंड गन्स, गन आप जानते हो बंदूक, और बंदूक की आवाज यहां पर बूम के द्वारा बताया गया, बूम। हम गूंजना कह सकते हैं, जो भी बंदूक की आवाज होती है आप समझ सकते हो शब्द के बजाय, इसका सेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पर। तो कभी कभी ये नहीं है कि शब्द का हमें अर्थ ही मालूम हो, उसका सेंस भी हम समझ जाते हैं कि बंदूक की आवाज कैसी होगी। स्वॉर्ड्स क्लैंक एंड गन्स बूम्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, द डोर ओपन्ड विद बैंग। हियर इज अ वर्ड बैंग, एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हेन वी ओपन अ डोर देयर इज अ साउंड एंड वी कॉल इट बैंग। यानी जब हम कोई दरवाजे को थोड़ा जल्दी में खोले तो एक आवाज आती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं बैंग। तो ये भी ध्वनि सूचक शब्द है, और इस सेंटेंस में हमको एक अलंकार देखने को मिल रहा है, उसका नाम है ओनोमेटोपोइया। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई हैव सम अदर एग्जांपल्स। नंबर सिक्स, आई बेबल ऑन द पेबल्स। पेबल्स कहते हैं कंकड़ पत्थरों को, और बेबल का मतलब होता है प्रहार करना। तो यहां पर प्रहार भी एक तरह से ध्वनि सूचक शब्द है, ये हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाया है। आई बेबल ऑन द पेबल्स, यानी कि मैं कंकड़ पत्थरों पर प्रहार करता हूं, ये ध्वनि सूचक शब्द है, यानी कि साउंड ऑफ अ वर्ड। तो ये साउंड ऑफ अ वर्ड है, और ये सजेस्ट कर रही है हमको एक मीनिंग। कौन सा मीनिंग, कौन सा अर्थ सजेस्ट कर रही है हमको, ये प्रहार करने का। इसी तरह से अगला एग्जांपल है, द विंडोज वर रैटलिंग ऑल द नाइट इन द विंड। रैटलिंग का मतलब होता है खड़खड़ाना। तो यहां पर एक शब्द है हमारे पास रैटलिंग, रैटलिंग जो शब्द है वो हमें अर्थ दे रहा है खड़खड़ाने की आवाज का। तो सिंपल सी बात है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा, ओनोमेटोपोइया। अर्थ देख लेते हैं हम, द विंडोज वर रैटलिंग, यानी कि खिड़कियां खड़खड़ा रही थी ऑल द नाइट, यानी कि सारी रात खिड़कियां खड़खड़ाती रही। इन द विंड, हवा में, यानी कि हवा की वजह से खिड़कियां खड़खड़ाती रही। एंड द लास्ट वन इज द रेडियो स्टार्टेड टू क्रैकल, क्रैकल एंड देन इट स्टॉप्ड वर्किंग। रेडियो ने क्रैकल करना स्टार्ट कर दिया, और तभी अंततः इस रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। क्रैकल का मतलब होता है चट-चट की आवाज। कई बार जैसे कोई मशीन, टीवी जैसे रेडियो होता है तो खराब होने से पहले चट-चट की आवाज करता है, फिर वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो क्रैकल का मतलब है चट-चट की आवाज। तो यहां भी ये जो क्रैकल वर्ड है एक ध्वनि को इंगित कर रहा है,
और इसका मतलब है चट-चट की आवाज। तो कहने का मतलब है जब कोई शब्द आवाज को बताए तो वहां पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है ऑनोमेटोपोइया। दैट्स ऑल।